पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का पहला AC3 इकोनॉमी कोच आज लॉन्च किया जा रहा है जो कि प्रयागराज जयपुर सुपर फास्ट में लग रहा है। तो आपके स्वागत के लिए यहाँ पर रोज है और साथ ही में चॉकलेट। इस सफर की शुरुआत करते हैं हम लोग मुँह मीठा करने के साथ। कम किराया, ज़्यादा बर्थ, आम लोग कर सकेंगे AC में सफ़र। यस, आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज से जयपुर जाने वाली ट्रेन 02403 थर्ड इकोनॉमी क्लास जो कि आज से इनॉग्रेशन रन होने वाली है। आज मैं हूँ अभी प्रयागराज जंक्शन पे और हमारी ट्रेन है 11:10 पे। अभी मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन पे और इसका कोड है PRYJ और यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स और 18 ट्रैक्स है और ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत भी है। और फिलहाल मैं अभी स्टेशन से बाहर हूँ और हमारी ट्रेन है 11:10 में और आज की ट्रेन जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इंडियन रेलवे बहुत अच्छा तोहफा दे रहा है आम जनता को। इसलिए चलिए हम चलते हैं ट्रेन के अंदर और फिर बात करते हैं ट्रेन के अंदर बैठ कर। तो फ्रेंड्स, आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 0403 प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में और हम लोग का कोच है M2 जो कि आज ही लॉन्च किया गया है AC 3 टायर इकोनॉमी के रूप में और इसका जो कोच नेम दिया गया है वो दिया गया है M2। इसका जो फेयर है वो 3 टायर से भी 8% कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आम जनता भी करेंगे AC में। ये देख सकते हो 3 टायर इकोनॉमी क्लास का फर्स्ट लुक और ये देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त इंटीरियर है, काफ़ी ज़्यादा मस्त इंटीरियर है इसका। और ये देख सकते हो इसका फीचर्स के बारे में बताया तो यहाँ बोतल होल्डर दिया हुआ है जो कि हर सीट के ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, रीडिंग लाइट भी है और यहाँ भी देखते हो मिडिल बर्थ में भी दिया हुआ है बोतल होल्डर और यहाँ भी हर सीट के ऊपर सॉकेट भी दिया हुआ है और मिलर तो रहता ही है फिलहाल। और ये देख सकते हो अपर बर्थ में भी यहाँ पे देखो लाइटिंग वाइटिंग सब दिया हुआ है और ये जो है फाइबर का है, कोई भी सामान रखने के बाद बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और यहाँ देख सकते हो सेपरेट AC दिया हुआ है, सेपरेट AC और इससे ठंडी हवाएँ आ रही है, हर बर्थ के ऊपर सेपरेट AC दिया हुआ है और यही है हमारा बर्थ। और साइड बर्थ की बात करें तो यही लोअर बर्थ, अपर बर्थ। फिलहाल ये सब देख सकते हो काफ़ी मस्त है और फिलहाल जो ये है इसको उठा कर आप एक मिनट ये देख सकते हो इसको चेयर कार जैसा बना दिया गया, इसको भी उठाते हैं ये देख सकते हो दोनों बन गया चेयर जैसा। और यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी और दिया गया है, ये देखो टेबल और टेबल के पे ये जो देख रहे हो ये है गिलास रखने वाला जगह जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है कि दोनों जो ये देख रहे हो ये इसमें गैपिंग बहुत ही ज़्यादा कम है और बाकी थर्ड टायर सेकेंड टायर के मुताबिक। और फिलहाल जगह कंजेस्टेड लग रहा है और इसमें भी पैर जब बैठते हैं आमने सामने तो ये पैर दोनों सटने लगता है। और इसका जो देख रहे हो ये हेडक काफ़ी सट जाता है अगर आप 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट के हो
तो ये जो है ना ये सट जाता है, इसमें भी काफ़ी कमी की गई है और अपर बर्थ में भी काफ़ी सट जाता है, एकदम पूरा सट जाता है। यही छोटा छोटा जब ये आमने सामने वाला सीट कम करके इसमें 11 सीट और बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले था 72 अब हो गया है 83। यस, 11 सीट और बढ़ाया गया है। और फिलहाल इसकी प्राइस फेयर की बात करें तो एसी थर्ड से कम है, 8% कम है फिर, लेकिन और कम होना चाहिए था, ऐसे स्लीपर वाले कहाँ जाएंगे यार, है ना। ऐसे 1000 रुपये 700-800 तक किया जा सकता था। एक चीज़ और, जो ये लाइटिंग देख रहे हो ना, एलईडी लाइटिंग, ये पूरा लगाया हुआ है, ये नहीं गैपिंग नहीं है, बिल्कुल गैपिंग नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से बंद भी कर सकते हो आप लोग, ये देखो ये बंद हो गया, ये चालू, ये सेपरेट बंद भी हो सकता है, लेकिन पूरा में दिया गया है। और यहाँ पे एक एलईडी दिया हुआ है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे अगला स्टेशन कौन आने वाला है ये बताएगा, और वहाँ पे इंडिकेट भी करता है कि बाथरूम आपका इंगेज है या इंगेज नहीं है। और यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है और नो स्मोकिंग जोन भी लगा हुआ है। हम लोग फतेहपुर पहुँच चुके हैं 20 मिनट की देरी से, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं 2 मिनट का हॉल्ट से हमारी ट्रेन का, और यहाँ पे 20 मिनट लेट पहुँचा क्योंकि बीच में क्रॉसिंग था इसलिए लेट पहुँचे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पानी ढूंढ रहे थे, पानी की दुकान सभी बंद हो चुकी है और हम लोग पानी लिए नहीं थे प्रयागराज में, अभी प्यासे हैं, देखते हैं कहाँ तक मिलता है, उसके बाद चलते हैं और मिलते हैं हम लोग कानपुर में। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया है और हम लोग का ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग 3 टायर एसी इकोनॉमी क्लास का बाथरूम देख रहे हैं और देख रहे हो कि सामने एक मिरर लगा हुआ है और उसी के ठीक बगल में हैंड वॉश भी लगा हुआ है, प्रेस करने के बाद ये गिरता है। और ये नल है और ये देख सकते हो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये यहाँ से प्रेस करने के बाद यहाँ पे पानी गिरता है, ये देखो प्रेस पानी गिरा। ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये कोविड कारण बनाया गया है, बिना हैंड टच किए हुए नल को चालू कर सकते हो आप। और फिलहाल यहाँ पे देखो रैक्स दिया हुआ है कुछ सामान वान रखने के लिए, और यहाँ पे लाइटिंग भी है, यहाँ पे देखो नो स्मोकिंग जोन भी बनाया हुआ है और वहाँ पे लाड में भी लगा हुआ है। और फिलहाल देख सकते बाग बहुत अच्छा है, लुक वाइज बहुत अच्छा है और अच्छा सिस्टम है यहाँ, ये डस्टबिन भी दिया हुआ है। और हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक एसी कार दूसरा बाथरूम देखने, जो कि विकलांगों के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगा देखने में। चलिए हम लोग चलते हैं विकलांग वाला टॉयलेट में। देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा दिया गया स्पेस वाइज है और बंद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी इसमें मिलर दिया हुआ है, हैंड वॉश, वही नल प्रेशराइज वाला, और यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे एक हैंडल भी दिया हुआ है जो कि विकलांगों के लिए काफ़ी मददगार होगी। चलते हैं बाहर दिखाते हैं बाहर का।
जी भाई, तो अभी बज रहे 1:56 और हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 15 मिनट डिले है ट्रेन हमारी। फिलहाल अभी चलते हैं पानी लेने, क्योंकि प्रयागराज में हम लोग पानी ले नहीं पाए थे और फतेहाबाद में दुकान बंद पड़ी थी, तो फिर हम लोग चलते हैं पानी लेने, फिर पानी लेकर बात करते हैं। और फिलहाल हिमांशु भैया और हमारे साथ बहुत से ऐसे यूट्यूबर मिले हैं जो कि बहुत अच्छा सिखाए भी हैं, समझाए भी हैं और कुछ हिंट्स भी दिए हैं वीडियो कैसे बनाना है। एक वाटर बॉटल दे देना। एक अमूल कूल। कितना हुआ? 40। माउंटेन ड्यू कितना हुआ? ये सैंडविच कितना? दो मिल्क दे देना। 50 भैया। माउंटेन ड्यू कितना हुआ? अमूल का 2 मिल्क एक दे देना। ये लो पैसा। अमूल का दे देना काटना भैया। तो फ्रेंड्स, हमने रात को 3 बजे सो गया था और बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टेशन मिस कर दिया है। आगरा, इटावा, फतेहाबाद, बहुत सारा हम लोग ने मिस कर दिया है, लेकिन अब कोशिश करूँगा मैं पूरा दिखाने का। फ़िलहाल मैं हूँ अभी गोवर्धन स्टेशन पे। हम लोग का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं अभी। हमारे साथ ऋषि भैया और काफ़ी दिन से मेरा ड्रीम तक ऋषि भैया से मिले, फाइनली आज ऋषि भैया से मिल लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है मिलकर। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है चैनल आपका? शानू के ब्लॉग्स। ये चैनल को विजिट कीजिए, जो ट्रैवल इंडिया विद ऋषि फैमिली के मेंबर हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इनके चैनल को विजिट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रायता फैला दीजिए भाई चारों तरफ से। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई। ये भाई हों, ये हमारे ये भाई, दोनों भाई बहुत ही यंग है, इनको आगे बढ़ाना है भाई। हम लोग सपोर्ट करते हुए चलो, साथ में चलेंगे तभी बहुत आगे बढ़ते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ बन के चलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा बेटर है। आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही में कंटेंट अच्छा लगे लाइक कीजिए और रायता जरूर फैलाइए भाई। देखिए आप लोग लाइक से शेयर से हौसला अफजाई होती है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हौसला अफजाई होती है भाई। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं बिरज नगर। यहाँ पे मुश्किल से 1 मिनट का हॉल्ट है और फिलहाल मैं कॉफ़ी ढूंढ रहा और कॉफ़ी मिल नहीं रहा है और यहाँ स्टॉल भी नज़र नहीं आ रहा है कॉफ़ी का, तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं आगे कहाँ मिलता है कॉफ़ी। फिलहाल हमारे सारे को पैसेंजर कॉफ़ी के लिए मुताबले हो रहे हैं पर मिल नहीं रहा है, स्टॉल ही नहीं मिल रहा है कहीं। चलते आगे और देखते हैं कहीं कॉफ़ी का स्टॉल हो, फिर हम लेते हैं कॉफ़ी पीते हैं। अभी मैं अलवर स्टेशन से 3 किलोमीटर पहले हूँ और यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट
मिनट पहले पहुंचा दी है लेकिन स्टेशन पर नहीं गया, पता नहीं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बैठ के मस्ती वस्ती खूब किए और अलबर्ट स्टेशन पहुँच कर कुछ ब्रेकफास्ट करना बनता है यार, सुबह से भूखे हैं। चलते हैं यार, फिर हम पहुँच कर नाश्ता वास्ता करते हैं कुछ। अरे आ जाओ जल्दी। इसमें क्लियर क्यों नहीं आ रहा है फोटो? अब इतना क्लियर है, मेरे क्लियर नहीं आ रहा है। कैम भाई, कैमरे का भी तो फर्क है। अरे सैमसंग है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अलवर जंक्शन पहुंच चुके हैं और सामने खड़ी है भिवानी मथुरा स्पेशल। और फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट मिले तो ब्रेकफास्ट लेंगे। और यहाँ पे टाइमिंग ऑन द टाइम है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अलवर जंक्शन पहुंच चुके हैं, इसका कोड है NWR। और यहाँ पे ऑन टाइम हम लोग की ट्रेन आई है। और फिलहाल 3 किलोमीटर पहले आउटर साइड पर खड़ी थी ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट बिफोर, लेकिन ऑन द टाइम अभी आई है। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाए फिर ब्रेकफास्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन पे 3 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का। फिलहाल चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट लेते हैं। सिकंदराबाद जंक्शन से डिपार्चर ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग जयपुर अराइव कर चुके हैं और एकदम टाइमली पहुंचा दिया है, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचा दिया है। वेलकम जयपुर। फिलहाल हम लोग का प्लेटफॉर्म नंबर 10-9 पे लग रही है गाड़ी और फिलहाल रुकेंगे और हम एक और ब्रेव यूट्यूबर से मिलाने वाले आप लोगों को। ये बहुत ही अच्छे भैया है वो, और उनका चैनल का नाम है रेल ज्ञान कोर्स। यस, संदीप भैया से हम लोग मिलाएंगे। चलिए संदीप भैया से मिलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ देख सकते हो कौन है संदीप भैया। हेलो, रेल ज्ञान कोर्स जानती होंगे, कौन नहीं जानता है। इनकी जो वॉइस ओवर होती ना, कमाल की भाई साहब, कमाल। और ये ड्रीम था संदीप भैया से मिलने का, जो कि आज पूरा हो गया है। फिलहाल हम लोग जर्नी कर रहे थे 02403 में और हमारे संदीप भैया मिल गए थे। थैंक यू संदीप भैया। और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और ऐसे काम करो, आगे बढ़ो। और बस हम आपसे सेल्फी लेंगे और तो आज। थैंक यू संदीप भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब कंटिन्यू हमारे चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे ट्रेन और ट्रैवल का। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।